नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे गुलिस्तान न्यूज, आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। और अब बात होगी पाकिस्तान में एक नई एंट्री की, जो है तो पुराना चेहरा नहीं लेकिन अब एक नए तेवर के साथ पाकिस्तान की सियासत में एंट्री होती हुई उनकी नजर आ रही है। अब एक तरफ पाकिस्तान आर्थिक मंदी से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में सियासत का खेल जोरों शोरों पर है, जिसमें जल्द ही पूर्व पीएम नवाज शरीफ की एंट्री होने वाली है। हालांकि नवाज शरीफ के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। अगर उन्हें ट्रांजिट जमानत नहीं मिलती है तो उन्हें जेल का दीदार करना होगा। इसी को लेकर इमरान खान शहबाज सरकार पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि क्या उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने से उनके सारे गुनाह क्या माफ हो जाएंगे। इसी को लेकर आज हम इस पूरे कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखें और समझने की कोशिश करें कि जो इल्जाम इमरान खान के ऊपर लगे थे उस दौरान सरकार के वक्त, वो इल्जाम क्या अब मौजूद है मौजूदा सरकार पर। पहले ये रिपोर्ट, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में सियासी हलचलों के बीच पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की वापसी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि नवाज शरीफ के लौटने की अफवाहें पहले भी बार बार सामने आती रही हैं, लेकिन अप्रैल में गठबंधन सरकार बनने के बाद अटकलें तेज हो गईं, क्योंकि पीएमएलएन पार्टी के सरकार बनने में नवाज शरीफ अहम खिलाड़ी हैं। इसी बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी होती है तो क्या उनकी गिरफ्तारी होगी। इसी को लेकर पीएमएलएन नेता और संघीय कानून मंत्री आजम नाजिर तरार का बयान सामने आया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आने के दौरान ट्रांजिट जमानत नहीं मिली तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। बता दें कि इस समय पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। दरअसल 2017 में नवाज को पनामा पेपर्स मामले में दोषी पाया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था। साथ ही साल 2018 में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने नवाज को 10 साल जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि कुछ अरसे बाद नवाज शरीफ ने लाहौर हाईकोर्ट से अपने इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति ली थी, तब से वो लंदन में रह रहे हैं। इसी को लेकर विपक्ष सत्तारूढ़ पार्टी पर हमलावर है, जहां लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर पीटीआई के सदस्यों ने प्रदर्शन किया और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार को गिराने का आरोप नवाज शरीफ पर लगाया है। कहा है कि इमरान खान की सरकार का गिरना महंगाई नहीं बल्कि उनके खिलाफ सोची समझी साजिश थी, सच आवाम के सामने आ चुका है। वहीं अपनी सत्ता के जाने के बाद से इमरान खान लगातार पाकिस्तान में जल्द ही चुनाव करवाना चाहते हैं, जिसके लिए वो शहबाज सरकार पर दबाव बना रहे हैं। साथ ही अब इमरान खान ने नवाज शरीफ की वापसी पर हमला बोला है। मैं किसी को इंटरव्यू दे रहा था तो मैंने तब ये कहा था कि दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, जब भी मुझे इख्तदार मिलेगा ये इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए कि इनके इंटरेस्ट एक ही है और इनका एक ही इंटरेस्ट है कि कैसे चोरी करना है और कैसे उस चोरी को बचाना है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। तो वो तो उसने कह दिया अपने मुंह से कि ये जो केसेस हैं 100 जजेस आ जाने थे और केसेस थे, अदली आजाद है पाकिस्तान में, तो अगर जजेस भी आ जाने थे यहाँ तो आजाद अदली है, तो किस चीज का आपको डर है। एक तरफ पाकिस्तान में सियासी खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जहां पेट्रोल डीजल 200 के पार है, यहां तक बिजली के यूनिट पर भारी इजाफा किया गया, खाने पीने की चीजों को लेकर किल्लत हो रही है। यहां की वर्तमान सरकार ने पाकिस्तान की जनता से चाय ना पीने का फरमान सुना दिया। पाकिस्तानी रुपया हर दिन डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे होने वाले हैं। गुलिस्तान न्यूज के लिए तरन्नुम राजपूत की रिपोर्ट। तो करप्शन के जो आरोप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पार्टी ने इमरान खान और उनकी पार्टी पर लगाए थे, वो करप्शन अब भी मौजूद है। जिस आर्थिक तंगी से पाकिस्तान पहले जूझ रहा था, वो आर्थिक तंगी अभी भी मुंबई खड़ी है पाकिस्तान के सामने। और जिस बेरोजगारी की समस्या को लेकर युवाओं ने थोड़ा बहुत भरोसा जताया था ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस पर, वो भरोसा अब भी नहीं बन पाया है और युवाओं के हाथ अब भी खाली पड़े हैं। लेकिन नवाज शरीफ की एंट्री
क्या कुछ इशारे कर रही है, क्या उनको बेइज्जत स्वीकार किया जाएगा बेनजीर भुट्टो के समय जैसा हुआ था, क्या उन्हें ट्रांजिट रिमांड मिल पाएगी, और अगर नहीं मिल पाई तो जो मौजूदा वक्त में कानून मंत्री ने कहा है क्या वो बातें सच होंगी और सलाखों के पीछे होंगे नवाज शरीफ, क्योंकि नवाज शरीफ की एंट्री के बाद एक और चेहरा है जनरल परवेज मुशर्रफ का, वो भी पाकिस्तान की तरफ आगमन की बात करते हुए नजर आ रहे हैं उनके समर्थकों के माध्यम से। इस पर इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान, हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पाकिस्तानी पत्रकार ताहिर नईम मलिक साहब भी जुड़े हुए हैं। ताहिर साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और समझने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान हम लोग का हमसाया मुल्क है, बहुत जरूरी है कि हम समझे कि वहां की पॉलिटिकल किस ट्विस्ट और टर्न से गुजर रही है। नवाज शरीफ की एंट्री के संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं, जो समस्याएं इमरान खान की सरकार के सामने थी वो समस्याएं अब भी हैं। ये दोनों चीजों पर आपका सबसे पहले फर्स्ट टेक क्या कुछ है? ताहिर साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, आवाज थोड़ा सा, आप क्वेश्चन रिपीट कर दें सर। मेरा ये अहम सवाल है कि नवाज शरीफ की एंट्री की अब सुगबुगाहट नजर आ रही है, तमाम न्यूज चैनल्स, मीडिया, टैबलॉइड, सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि अब नवाज शरीफ की एंट्री दोबारा पाकिस्तान में होगी, तमाम करप्शन के आरोप उन पर भी लगे हैं और जो समस्याएं इमरान खान की सरकार के दौरान थी वो समस्याएं अब भी पाकिस्तान के सामने खड़ी हैं। इन तमाम चीजों को ओवरऑल किस तरह से देखते हैं, आपका पहला टेक? इससे मैं ऐसे देखता हूँ कि साबिक जो नेता है, हमारे प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ जी, उनकी आमद से उनके छोटे भाई इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन बहुत सारी कानूनी रुकावटें हैं उनकी वापसी में। एक अदालत की फैसला है हमारे सुप्रीम कोर्ट इसका कोर्ट का, जिसके तहत उन्हें कन्विक्ट किया गया, तो उनकी जो सेट असाइड जब तक उनकी सजा नहीं होती उनकी पाकिस्तान वापसी मुश्किल है। अब वो बाहर गए थे तो गवर्नमेंट की और कोर्ट की इजाजत से गए थे मेडिकल रीजंस की वजह से, तो वो वापस जब आएंगे तो वो अरेस्ट होंगे और उन्हें वो अपनी सजा काटनी पड़ेगी। जब तक उन्हें कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता उनकी वापसी मुश्किल नहीं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान की सियासत का ये सबसे बड़ा इशू नहीं है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। इस वक्त जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, वो पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज है, नवाज शरीफ साहब की वापसी बड़ा चैलेंज है। ठीक है संजीव जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हमने देखा कि किस दौराहे से पाकिस्तान पिछले कुछ दो तीन महीनों में गुजरा है, किस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया, इमरान खान आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहे लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पास हुआ तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जीतता हुआ नजर आया, लेकिन समस्या सरकार बदल गई, चेहरे बदल गए, हुक्मरान बदल गए, लेकिन समस्याएं तो आपकी जस की तस खड़ी हैं पाकिस्तान के सामने, कुछ नहीं बदला पाकिस्तान के लिए, तो अभी भी वही हालात हैं। देखिए एक तो ये है कि जो बड़ा काम है आपके पास, संजीव जी से सवाल हुआ है। जी संजीव जी। जी कुणाल जी, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान की जो समस्याएं हैं वो एक मूलभूत और गहरी समस्याएं हैं और जिसका कि समाधान एक या दो महीने में या कुछ समय में निकाल पाना मुझे नहीं लगता कि इस सरकार के द्वारा संभव हो पाएगा। और जहां तक शहबाज शरीफ की सरकार की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये एक कमजोर सरकार है, ये एक अस्थिर सरकार साबित हो सकती है, अनेक विपक्षी दलों के द्वारा बनाई हुई एक गठबंधन की सरकार है और पाकिस्तान में जैसे जैसे इलेक्शंस नजदीक आएंगे वैसे वैसे इस बात की संभावना भी बढ़ती जाएगी कि ये जो कोअलिशन है, ये जो गठबंधन है तो उसमें दरारें पैदा हो और पाकिस्तान में जो है राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति अगले इलेक्शन तक बनी रहने की पूरी संभावना दिखाई देती है। तो ऐसे में जो ये शहबाज शरीफ की सरकार जो कि पहले से ही कांटों का ताज पहने हुए है, चाहे वो आर्थिक मुद्दे हो, चाहे वो सामरिक मुद्दे हो, चाहे वो पाकिस्तान में जो भी घरेलू वहां की जो समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार इत्यादि मुद्दे हो, उससे वो पहले से ही जूझ रही है। एक राहत भरी खबर पाकिस्तान के लिए अभी हाल के समय में ये आई है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से जो है मुक्ति मिली है, लेकिन जो पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को सपोर्ट करने का जो अभी भी तंत्र कायम है उसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर आने वाले समय में भी ग्रे लिस्टिंग का खतरा बना रह सकता है।
पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आता जी, है आपको है, याद होगा वो वक्त तो जब ये आपने हमने खूब चर्चा की थी जब पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा था, देर रात अचानक से वोटिंग होती है, तमाम चीजें आपको भी याद होंगी जब लगातार हमारे साथ बहुत बड़ा चौड़ा पैनल था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे और एक बहुत ज्यादा मुद्दा जो चर्चा का विषय बना वो था करप्शन, कि भाई इमरान खान की सरकार के दौरान करप्शन खूब बड़ा, उनके बड़े बड़े जो नेता थे पार्टी के जो मिनिस्टर्स थे वो मालामाल होते हुए नजर आ रहे थे और जो एक आम आदमी था वो बेरोजगारी का सामना कर रहा था, बढ़ती महंगाई का सामना कर रहा था। अब नवाज शरीफ कोई दूध के दूल्हे तो है नहीं, उनके ऊपर भी तमाम करप्शन के आरोप लग रहे हैं, तो जिन तमाम आरोपों को लगाकर पूरा ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सत्ता में आया था, आपको लग रहा है कि वो आरोपों से ये लोग मुक्त हो जाएंगे अगर नवाज शरीफ की एंट्री एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से हो जाती है, ट्रांजिट रिमांड उन्हें मिल जाती है, तो आपको लगता है कि हालात बदलेंगे? एलिगेशन तो वही के वही रहे जी। देखिए पाकिस्तान में भ्रष्टाचार की जो समस्या है वो बेहद गहरी है और पाकिस्तान में चाहे वो शहबाज शरीफ स्वयं हूं, उनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, उनके पुत्र जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, नवाज शरीफ पहले ही कन्विक्टेड हैं और इसके पहले की जो इमरान खान की सरकार थी उनके मंत्रियों के ऊपर, उनके जो फंड देने वाले जो लोग थे उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के गहरे आरोप थे। तो पाकिस्तान में कोई भी पार्टी है, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे हों और सभी जो है इस मुद्दे को एक दूसरे के ऊपर सियासी बढ़त बनाने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, ये बात भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भ्रष्टाचार की समस्या पाकिस्तान की एक गहरी और मूलभूत समस्या रही है। पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के जो जो केसेस हैं वो बहुत बड़ी संख्या में रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से पाकिस्तान के जो बड़े सियासी नेता हैं उन्होंने विदेशों में जैसे पैसे जमा कर रखे हैं, जब कभी भी वो राजनीतिक संकट में आते हैं वो विदेशों की तरफ रुख कर लेते हैं, लंदन चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, अन्य जगहों पर चले जाते हैं, तो जाहिर है कि वहां पर उन्होंने बड़ी संपत्ति बना करके रखी है। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार एक मूलभूत समस्या है और इस पर मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ जो सरकार है वो दूध की धुली है, वो पहले ही आरोपों से घिरे हुए हैं। शहबाज शरीफ की स्वयं नवाज शरीफ पर लग रहे थे और अब इमरान खान ने फिर से वो आरोप लगाए कि भाई देखिए हमें बेदखल किया गया सत्ता से, हमें कुर्सी से हटाया गया, ये बोल के कि भाई करप्टेड पार्टी है पीटीआई, उनके तमाम नेताओं ने आम जनता के पैसे को अपने जेब में भर लिया। अब कुछ वैसे ही आरोप यहां पर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के ऊपर लग रहे हैं जहां पर नवाज शरीफ की पार्टी है, बिलावल भुट्टो साहब की जो पार्टी है, इन तमाम लोगों पर भी वही आरोप लग रहे हैं और इमरान खान ने तो इशारों इशारों में कह दिया कि मुझे तो पूरा पूरा भरोसा था कि अगर मैं कुर्सी से हटाया जाता हूं, मुझे बेदखल किया जाता है, तो सबसे पहले एंट्री बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से नवाज शरीफ की होगी क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ताहिर साहब जी, देखिए पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल जो गवर्नेंस के इश्यूज है उसमें स्ट्रक्चरल इश्यूज है, तो जब तक वो नहीं स्ट्रक्चरल इश्यूज को एडजस्ट नहीं किया जाता, यहाँ पे कोई मीनिंगफुल चेंज नहीं आते जी। इस वक्त कॉस्मेटिक चेंजेस हैं और ये नई गवर्नमेंट आई है, इसके सामने चैलेंज है कि इलेक्शन एक साल बाद एक साल के अंदर ही होना, तो इनके पास स्पेस जो है परफॉर्म करने की जो इकॉनमी की स्टेट है वो भी इतनी अच्छी नहीं है जिसके अंदर ये बहुत जनरेट कर सके। कोविड से इकॉनमी निकल रही है और जो पेट्रोलियम ऑयल प्राइसेस हैं पूरी दुनिया में उनमें एक सर्ज है और आईएमएफ के पास इन्हें जाना पड़ रहा है पाकिस्तान को, और बार बार हम जाते रहेंगे, हमारी वो वायबिलिटी इतनी नहीं है। और जहां तक दूसरा जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है कि कोएलिशन गवर्नमेंट है, कोएलिशन गवर्नमेंट आप एक पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट हो वो की अपनी विजन के मुताबिक इस तरह चल नहीं सकती जब तक वो छोटी बातों को साथ लेके उनके इंटरेस्ट ग्रुप को साथ लेके नहीं चलते। और तीसरा जो इश्यू है कि एक हाइब्रिड रजीम है, इसमें इनके पास वो पावर नहीं है जो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए पाकिस्तान और इजिप्ट के केस में जी। तो बहुत सारे इनके पास कॉन्स्ट्रेंट है, फॉरन पॉलिसी में भी बड़ी कम इनके पास स्पेस है जी। और ये सारे चैलेंजेस को देखते हुए अब पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात आ जाए उसके सामने इमेंस चैलेंजेस होंगे और सोसाइटी नीचे पोलराइज है। जहां तक भी आपके हमारे दूसरे पैनलिस्ट बात कर रहे थे, पाकिस्तान ने मीनिंगफुल प्रोग्रेस की है, इसी वजह से जो फेटअप की है तंजीम उसने
इस दफा पहली दफा सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है कि पाकिस्तान ने वो सारी प्री कंडीशन मीट कर दी है और अब लाइक की वो रिव्यू करके उसको ग्रे रिस्ट से निकाल, और इसी प्रोग्रेस से अगर वो जारी गए और नॉन स्टेट एक्टर्स को, दहशतगर्दों को, इंतहा पसंदों को हमारी हुकूमत ने और स्टेट इंस्टीट्यूशन ने क्रश किया, उससे ये पॉजिटिव साइन है कि हमारी रियासत मजबूत होगी और इससे कितने में भी इसमें असर पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर फ्यूचर में नवाज शरीफ आते हैं पाकिस्तान और उन्हें ट्रांजिट रिमांड भी मिल जाती है, तब भी आपको लगता नहीं कि भाई नवाज शरीफ की पार्टी को, शहबाज शरीफ की पार्टी को एक लिटमस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा? क्योंकि जो एलिगेशन, जो आरोप यहां पर इमरान खान की पार्टी लगा रही कि भाई करप्टेड पार्टी ये भी है, खूब करप्शन हुआ है नवाज शरीफ के टाइम में भी और शहबाज शरीफ के टाइम में भी, हालात ठीक नहीं हुए, आपको लगता है कि जो आम जनता है, पाकिस्तान की आवाम है, वो भी यहां पर इंसाफ के तराजू पर इन दोनों भाइयों को भी तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश करेगी कि आपने करप्शन के आरोपों पर इमरान खान को तो कुर्सी से हटा दिया, लेकिन आप कितने करप्शन फ्री पसंदीदा इंसान है ये भी साबित कर दीजिए। देखिए, ना करप्शन के चार्जेस पे इमरान खान अटे हैं और ना करप्शन के चार्जेस पे नवाज शरीफ अटे। ये इंडिया में और पाकिस्तान में करप्शन एक पॉलिटिकल स्लोगन होता है अपने ओपोनेंट्स को मेलाइन करने के लिए। तो करप्शन करप्शन की जो गर्दान है इसको लोग तो इतना सीरियस नहीं लेते पाकिस्तान और इंडिया में, ये पॉलिटिकली आप अपने ओपोनेंट्स पे वो करते हैं। जहां तक इंस्टीट्यूशन का रोल है, हाँ नवाज शरीफ साहब है या और हमारी लीडरशिप है, वो कोर्ट से कन्विक्टेड है, ये एक सीरियस मैटर। जब जहां तक एजुकेशन की मैटर बात है वो और है, लेकिन जिन लोगों की, जिन पॉलिटिशियन की कोर्ट में या जो हमारा अकाउंटेबिलिटी बोर्ड है वहां पे रेफरेंसेज हैं, केसेज हैं, सीरियस केसेज हैं, उनके लिए जो हमारे भी जो प्राइम मिनिस्टर है, ये तो तशवीश की बात हो सकती है। लेकिन जनरली यहाँ पे हमारे दोनों देशों में करप्शन का एक जो स्लोगन होता है उसका मकसद कोई अकाउंटेबिलिटी ड्राइव नहीं होता बल्कि पॉलिटिकल माइलेज उससे हासिल करना। ठीक है, तो अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ भी जाते हैं तो इस वक्त जो सबसे बड़ा टेस्ट केस है कि जो ओपोजिशन पार्टीज थी पिछले 4 साल में वो अब पावर में आ गई, तो अब पावर में आ गई वो ओपोजिशन नहीं रही, गवर्नमेंट उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो रही है। अगर इस टाइम पीरियड में, लेकिन सर जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर नजर रखते हैं परफॉर्मेंस की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार अगर नवाज शरीफ वापस आएंगे तो आपको लगता है कि शहबाज शरीफ को फ्री हैंड मिलेगा सरकार चलाने का? क्योंकि भाई पाकिस्तान के वजीर आजम वो भी रह चुके हैं, मौजूदा वजीर आजम ये भी हैं, आपको लगता है यहाँ पर क्लैश हो सकता है? और अगर क्लैश नहीं भी हुआ तो इनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, अब भी जो गवर्नमेंट है उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ वो अपनी आर्मी कैबिनेट को लेके लंदन गए थे, वहीं से उनको सारी इंस्पेक्शन आ रही, तो जो इकतदार में आने की राह हुई है उसमें ये तो तय है कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनके बेटे चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो एक रोल है पीएमएलएम की पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टी के हेड के तौर पे, उस रोल को यहाँ तस्लीम किया जा रहा है और जो पावरफुल सर्कल है उन्हें कोई इतराज नहीं, और नवाज शरीफ साहब भी खामोश है। जो उनका ट्रेडिशनल मौकफ था सिविल मिलिट्री बैलेंस पे, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे और चीजों पे, उस पर खामोश है, उनकी कोई पोजिशन अपनी दिखाई नहीं दे। इसका मतलब है कि वो अपनी पार्टी की गवर्नमेंट को और अपने भाई को स्पेस देना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर। नहीं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, भले ही शहबाज शरीफ, सर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को स्पेस देना चाहते हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए, आपको लगता नहीं है कि इस तरह से जो उनके जो अलायंस पार्टनर हैं वो थोड़े डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं? आपका क्वेश्चन मैं सुन नहीं सका, आपका सवाल। आपने कहा कि भाई नवाज शहबाज शरीफ चाहते कि नवाज शरीफ को स्पेस दिया जाए पाकिस्तान के करंट पॉलिटिक्स में, आपको लगता नहीं है उनके स्पेस देने के चक्कर में जो उनके अलायंस पार्टियां हैं वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट जोन में जा सकती हैं? नहीं, मेरा भी ख्याल कि वो इस वक्त जो गवर्नमेंट है
वो सिंपल एक थिन थ्रेड पे है और सिंपल मेजोरिटी से कायम है। तो इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये कि एस्टेब्लिशमेंट से इनके जो टर्म्स हैं वो सही रहे। अगर वो सही है तो गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं, नहीं तो इनकी गवर्नमेंट एक दिन में खत्म हो सकती है। और ये नवाज शरीफ साहब भी रियलाइज करते हैं, यहाँ भी करते हैं, पाकिस्तान के सामने ये मौजूदा चुनौतियां हैं। और आपने कहा था कि भाई भले ही नवाज शरीफ पीएम बन गए हैं लेकिन उनके सर पर कांटों भरा ताज है, उन्हें करप्शन से भी मुकाबला करना है, उन्हें बेरोजगारी से भी मुकाबला करना है, उन्हें अपनी पूरी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ को भी बेटर करना है, उन्हें उनके फॉरेन रिलेशन बाकी देशों के साथ उसे भी मजबूत करना है। लग नहीं रहा कि इन तमाम चीजों पर काम होता हुआ नजर आ रहा है, भले ही अभी कुछ महीने गुजर चुके हैं सरकार बने, एक भी मुद्दे पर एक स्टेप सरकार आगे नहीं बढ़ पाई है। देखिए कुलाल जी, ये जो सरकार है नवाज शरीफ की, ये एक कमजोर सरकार है, ये एक अस्थिर सरकार साबित हो सकती है। पाकिस्तान में इलेक्शंस अगले वर्ष होंगे और जाहिर है कि इलेक्शंस बहुत दूर नहीं है, तो ऐसे में, और दूसरा ये है कि ये जो शहबाज शरीफ की जो सरकार है इसका जो चरित्र है उसमें अनेक विपक्षी दल शामिल हैं, ये गठबंधन की सरकार है और जो विपक्षी दल है उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होंगी। अगर आने वाले समय में जो इलेक्शंस होंगे उसको लेकर के ये जो सरकार में शामिल दल हैं उनके अपने अपने एजेंडे होंगे, अपने अपने जो है महत्वाकांक्षाएं होंगी। तो जैसे जैसे पाकिस्तान में इलेक्शंस नजदीक आएंगे वैसे वैसे ये जो गठबंधन जो शहबाज शरीफ की सरकार की जो चल रही है उसमें सबकी बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इमरान खान की तरफ से बड़ा सियासी बयान सामने आया है। इमरान खान ने बड़ा बयान दिया है, क्या कुछ उन्होंने कहा उस पर नजर डालते हैं। तो बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई, इमरान खान का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि हमने कभी सेना प्रमुख बनाने की योजना नहीं बनाई। हमें अपना, इमरान खान का जो बड़ा बयान है उससे हम आपको इस वक्त रूबरू करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने कभी सेना प्रमुख बनाने की योजना नहीं बनाई, साथ उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपना सेना प्रमुख नियुक्त करने की जरूरत नहीं है। तो इमरान खान का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि उनके विरोधियों ने गलत आरोप लगाया था। बड़ी खबर इमरान खान के बयान से जुड़ी हुई, इमरान खान ने बड़ा बयान दिया कि हमने कभी अपना सेना प्रमुख बनाने की कोई योजना नहीं बनाई। और विपक्षी जो आरोप लगा रहे थे वो आरोप लगातार बेबुनियाद थे। ताहिर साहब, इमरान खान ने जो बड़ा बयान दिया है सेना को लेकर, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि जब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना कर रहे थे तो ये भी खूब चर्चा हो रही थी कि भाई पाकिस्तान में सेना की और सरकार की आपस में तालमेल नहीं है, बेटर नहीं है, सेना भी चाहती कि इमरान खान को बाय बाय कर दिया जाए। लेकिन अब इमरान खान ने स्पष्ट कर दिया, क्लेरिफाई कर दिया कि सेना प्रमुख को लेकर उनका कोई बयान नहीं था और ना ही कोई कोशिश थी, ये सिर्फ अपोजिशन पार्टीज के एलिगेशन थे। देखिए ये गैर है, वो ये इस वक्त अपने एस्टेब्लिशमेंट से वो ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, उसके लिए परसेप्शन थी कि भाई पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जब भी इन की अपॉइंटमेंट्स में का वक्त आता है बड़ी मिसपरसेप्शन यहाँ जन्म लेती है, सिविल मिलिट्री रिलेशन खराब होते, उनके बारे में एक स्ट्रांग परसेप्शन थी कि शायद वो उनका फेवरेट ये है और उनके फेवरेट ये नहीं है, तो उस चीज को उन्होंने क्लैरिफाई किया। तो ये सारी चीजें जो है उनसे मिसहैंडल हुई है और इसमें अब ये पॉलिटिक्स का ये लेवल हो गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज इन जो अपॉइंटमेंट्स है इनको लेकर पॉलिटिक्स करती, तो ये तो बड़ी लो पॉलिटिक्स का मेरे ख्याल। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि इमरान खान ये साबित करना चाहते हैं कि भाई उनके दौरान जब उनकी सरकार थी, उनकी गवर्नमेंट थी, तो सब कुछ ठीक था, जो कहा जा रहा था कि भाई रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ये सिर्फ आरोप थे, एलिगेशंस थे और कुछ नहीं था। और अब वो साबित करना चाहते हैं कि भाई अब जब फिर से एक टर्नआउट निकलकर सामने आ सकता है मौजूदा सरकार के सामने, तो वो पहली पसंद आम जनता की होंगे। बस ये ऐसे ही है कि जैसे कोई मासूम आशिक और मासूम वाला मामला है कि भाई आप बेवफा हैं, आप हर जाइए, आप ने हमें इग्नोर किया, तो इसके अंदर
ये असल अगर आप देखें तो फॉर द लास्ट टू डेकेड्स और थ्री, जब से हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप के बाद ट्रांजिशन आई है, डायलेमा ये है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना वक्त समय पूरा नहीं कर सका। 1988 to 2022 जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो 5 साल की मुद्दत के लिए उनका जो चुनाव हुआ है पूरा नहीं कर सके। तो हाँ, वो इमरान खान साहब हैं, दूसरे हैं, तो ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ सिविलियन गवर्नमेंट्स वीक है और मॉडल हाइब्रिड है, तो इसको इसके लिए इसके सोच विचार होनी चाहिए। अब जो पॉलिटिक्स में एंट्री है, पावर में एंट्री है, पावर कॉरिडोर में, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी जो टाइज है या टर्म्स है वो की रोल है। तो ये तो अगर ये की रोल है तो ये हम जैसे जो डेमोक्रेटिक लोग हैं उनके लिए तो ये बात अलार्मिंग होनी चाहिए ना कि आवाम की पीपल पावर कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक 2022 तक एक भी सरकार अपना पूरा टेन्योर पूरा नहीं कर पाई। और यहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट है यानी सेना की जब बात की जाती है तो उसका जो प्रेशर है या उसका जो फोकस है, उसका जो दबाव है, वो बहुत ज्यादा रहता है। आपको लगता है कि यहां पर संजीव जी, यहां पर जितना दखल सेना का रहा है उतना नहीं होना चाहिए था? एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को फुल फ्लेज तरीके से, खुलेहान तरीके से काम करना चाहिए था, लेकिन सेना को जब जब लगता है कि भाई ये हमसे ऊपर जा रहे हैं, तुरंत जो वजीर आजम है उनको हटा दिया जाता है या सरकार गिरा दी जाती है कैसे भी करके। जी देखिए, इसमें तो कोई आपके क्वेश्चन में जो कड़वी सच्चाई है, पाकिस्तान की यही एक जो कड़वी जो हकीकत है कि पाकिस्तान की जो सत्ता को पाकिस्तान के जो वास्तविक शासक वहां की आर्मी और आईएसआई चलाते हैं। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई की शह पर ही वहां की जो जमहूरियत है वो चलती है। इमरान खान को अभी हाल के समय में जो अपनी सत्ता गंवानी पड़ी है उसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कारण यह है कि उनसे पाकिस्तान की जो आर्मी और आईएसआई नाराज हो गई थी। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने डीजी आईएसआई के अपॉइंटमेंट को लेकर के जिस तरीके से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी सत्ता को असर्ट करने की कोशिश की और वहां के एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करने की उन्होंने जो कोशिश कर दी वो उनकी सबसे बड़ी भारी भूल साबित हुई। और जिसमें तमाम चुनौतियां अब भी मौजूदा सरकार के सामने हैं। देखना बेहद खास होगा कि नवाज शरीफ की जब पाकिस्तान में एंट्री होगी तो शहबाज शरीफ की सरकार किस तरह से उसको देखती हुई नजर आएगी। इमरान खान के जो आरोप हैं सरकार के ऊपर वो कितने और तेज और तल्ख होते हुए नजर आएंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल इस वक्त की डिबेट में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला बदस्तूर गुलिस्तान न्यूज पर जारी है। नमस्कार।